प्यारे छात्रों नमस्कार। आज की वीडियो में कक्षा 12वीं का मैथ पढ़ाया जाएगा और प्रश्नावली 10.2 से यानी सदिश बीजगणित वाले प्रश्नावली से 11 नंबर सवाल में बताऊंगा, 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 15 भी बताऊंगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस 4-5 सवाल को समझेंगे और समझ करके उसको कॉपी में भी नोट करेंगे और उसकी अच्छी सी अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे। क्लियर? ये जो घंटी बज रही है ना, कोई फेरी वाला है, कुछ बेच रहा है, तो आप लोग उससे परेशानी महसूस मत कीजिएगा। दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख हैं। संरेख का मतलब हुआ दो गो सदिश अगर संरेख हैं तो निश्चित रूप से वे एक ही रेखा में हैं, एक ही दिशा में हैं, ठीक है, और निश्चित रूप से उनमें कोई ना कोई समानता पाई जाती है। वो कौन सी समानता है मैं आपको बता रहा हूँ इसी सवाल के अंदर, आप जरा समझिए। मान लीजिए कि वेक्टर a बराबर 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मान लीजिए कि वेक्टर b बराबर -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब इसमें समानता क्या है या समानता लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संरेख सदिश में समानता होती है। कैसी, मैं बताता हूँ। देखो, इसमें से अगर माइनस दो कामन ले लिया जाए, कितना, माइनस में दो अगर कामन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, माइनस भी हट गया और दो से चार में भाग हो गया, तो बचेगा 2i कैप, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से ये वाला चिन्ह प्लस हो गया यहाँ पर, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 3 6 3 आ गया 3j कैप, और ये भी हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस को कॉमन लिया गया, और 2 से 8 में भाग देंगे तो 4k कैप। आप क्या देख रहे हैं, आप देखिए ये जो बड़े वाले कोष्टक के अंदर लिखा हुआ चीज़ है ना, वो क्या है, वो तो वेक्टर ए निकल गया, वेक्टर ए है ये, देखिए क्या है, वेक्टर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं बी, वेक्टर बी बराबर -2 वेक्टर में ए। इससे पता चल रहा है कि सदिश आपस में बराबर है, केवल चिन्ह का फर्क हो सकता है, यानी दिशा विपरीत हो सकती है परंतु परिमाण आपस में क्या होगा, उनका बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिद्ध कर दिया, अतः दोनों सदिश संरेख हैं। क्या है, संरेख हैं। क्लियर? अब हम लोग अगला सवाल भी करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब सवाल नंबर किसकी बारी है, सवाल नंबर 12 की बारी है। सवाल नंबर 12 में आपको दिक कोसाइन ज्ञात करना है। दिक कोसाइन, ये हिंदी में लिखा है ना कोसाइन, आप इसको अंग्रेजी में लिख लो कोसाइन, कोसाइन हो गया, आई एन ई हटा देंगे तो कॉस हो गया। क्या ज्ञात करना, कॉस, कॉस मतलब कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इस पर आगे किसी सवाल में चर्चा होगी, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में क्या करना है वो आपको मैं करना सिखाता हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। मेरे साथ पढ़ने का मतलब क्या हुआ, हौले हौले आराम से बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखो, सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम इसको मान लेंगे वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? अब दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा इस पर ध्यान दीजिए। दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग इसका क्या निकालेंगे, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा,
बात समझ में आ रही है? काश अल्फा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका गुणांक पहले वाले का गुणांक क्या है, वन है, तो वन अपान रूट के अंदर तीनों के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल। क्या बोला मैंने, तीनों के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल, नहीं समझे, चलो छोड़ो। इसके बगल वाले का स्क्वायर लिख देंगे, इसके बगल वाले का स्क्वायर लिखेंगे, इसके बगल वाले का स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, तीन के स्क्वायर नौ, नौ चार तेरह, चार तेरह एक चौदह, नौ चार तेरह, तेरह एक चौदह, रूट में कितना आ गया, एक बटे चौदह। तो कास अल्फा बराबर आ गया एक बटा करड़ी के अंदर कितना, चौदह आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से कास बीटा निकालेंगे, ये भी होगा, जे का गुणांक कितना है, जे का गुणांक टू अपन रूट के अंदर, यही तीनों चीज़ फिर इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। तो दो बटे कितना आएगा, ये चीज़ फिर वही आएगा चौदह, रूट में चौदह। कास गामा निकालिए, के का गुणांक तीन बटे रूट के अंदर वही चीज़ बराबर तीन बटे रूट के अंदर चौदह। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है इसके कोसाइन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक आंसर के रूप में। फार्मूला कैसे होता है, फार्मूला मैं आपको बता दूं, याद रखना, कास अल्फा बराबर ए वन बटा रूट के अंदर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। कास बीटा बराबर सूत्र होता है ए टू अपान रूट के अंदर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। कास गामा बराबर होता है ए थ्री अपान रूट के अंदर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। ये दिक कोसाइन ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है, ये जो है दिक कोसाइन ज्ञात करने का सूत्र है। जिसको नहीं मालूम लिख लेगा, याद कर लेगा तो अच्छा रहेगा। अब मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। अब ये सवाल नंबर 13 में भाई साहब कुछ नया काम नहीं करना है, जो काम 12 में हुआ है वही काम 13 में होगा। लिखा है कुछ लफड़ा करके, तो लफड़ा को कैसे सुलझाएंगे उसे ज़रा देखिए। बोला कि बिंदु ए वन टू माइनस थ्री और बी माइनस वन माइनस टू वन को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दिक कोसाइन, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो सदिश दिया है ना, वो थोड़ा सा और उखाड़ पखाड़ के दिया है। तो उखाड़ पखाड़ के देने का मतलब हुआ कि उसको पहले हम ठीक से सेट करेंगे, तब जा कर के दिक कोसाइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बस यही काम करना है। तो ए लिखा है ना, तो लिखेंगे ए के लिए, ए के लिए स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए बराबर क्या होगा, वन आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। बस फिर लिखेंगे बी के लिए स्थिति सदिश। बेटा ये एकदम इत्मीनान से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ने का मतलब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई। वेक्टर ओ बी बराबर माइनस वन आई माइनस टू जे प्लस वन के कैप, ठीक है भाई साहब, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस वन है। अब मुझे ए से बी की तरफ यानी ए बी निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर ए बी।
तो वेक्टर ए भी निकलेगा कैसे? स्थिति सदिश की हेल्प से वेक्टर ए भी निकल जाएगा। क्लियर? तो स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, बी आगे है तो लिखेंगे पहले ओ बी, माइनस पीछे वाला ए तो लिखेंगे ओ ए। याद रहे कभी भी स्थिति सदिश के माध्यम से अगर सदिश का वैल्यू निकालना है तो पहले बाद वाला फिर पहले वाला, देखो बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे। तो ओ बी का वैल्यू कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ठीक है। अब माइनस वन आई में से ओ ए घटाना है, ओ ए का वैल्यू यहाँ पर है, यानी सीधा इसमें से इसको घटाना है, डायरेक्ट समझो ना, इन तीनों में से इन तीनों घटाएंगे तो माइनस वन आई में से वन आई घटाएंगे तो माइनस टू आई आएगा, माइनस टू जे में से टू जे घटाएंगे तो माइनस फोर जे आएगा, वन के में से थ्री के घटाएंगे तो प्लस फोर के आएगा, ठीक है। वन के में से घटाएंगे माइनस थ्री के तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो वन के प्लस थ्री के हो जाएगा फोर के का एफ, ठीक है। इतना समझ गए? अभी तो तुम क्या पता लगाए, वेक्टर ए बी का वैल्यू निकाल पाए हो, तुम्हें तो ज्ञात करना था दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन यानी कास अल्फा कास बीटा कास गामा, तो निकालिए कास अल्फा बराबर आई का गुणांक बटे के नीचे करड़ी में इन तीनों के गुणांकों के वर्गों का योगफल, माइनस दो का स्क्वायर चार, माइनस चार का स्क्वायर सोलह, प्लस चार का स्क्वायर सोलह, सोलह सोलह बत्तीस, बत्तीस चार छत्तीस, छत्तीस बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा छः, माइनस दो बटे छः। कास बीटा निकालिए, जे का गुणांक माइनस चार बटे वही चीज़, तीनों लिखो जल्दी 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 देख करके, माइनस चार बटे छः। कास गामा बराबर हो जाएगा ए का गुणांक चार बटे वही तीनों चीज़, चार प्लस सोलह प्लस सोलह बराबर चार बटे छः, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आपको क्या लिखना, दिक कोसाइन लिखेंगे, आता है दिक कोसाइन बराबर क्या, माइनस दो बटे छः माइनस चार बटे छः प्लस चार बटे छः, माइनस दो बटे छः कामा माइनस चार बटे छः कामा चार बटे छः, या इसको अगर काट दें दो से छः तो माइनस एक बटे तीन, माइनस दो बटे तीन प्लस दो बटे तीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, हमें पता चल गया दिक कोसाइन, या तो इसे लिखें या तो इसे लिखें। अब मुझे लगता है कि इसके आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर, कितना, सवाल नंबर 14 पर। क्लियर? तो भाई साहब सवाल नंबर 14 में आइए, सवाल नंबर 14 में बहुत खुशी होगी मुझे समझाने में, आपको समझने में भी बहुत खुशी होगी। अभी इस सवाल को पूरा पूरा देखो तब समझोगे। देखो, दर्शाइए कि सदिश i प्लस j प्लस k अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो भैया झुका हुआ है तो आप याद करो कक्षा 10 में 11 में, झुका हुआ यानी झुकाव याद करने थे, झुकाव का मतलब कोण हो गया, झुकाव का मतलब क्या, कोण हो गया भैया, कोण ज्ञात करना, कितना झुका। जैसे मान लो एक लाइन है, अब अच्छा है ये, इस पर ये रेखा कितना झुका है, तो झुकाव बताना है मतलब कोण बताना है, ठीक है। तो अब आप समझ गए, अब कोण कैसे निकलेगा। अभी मैंने सवाल नंबर 13 में 12 में क्या किया था, दिक कोसाइन कास अल्फा कास बीटा कास गामा निकाला था, और कास अल्फा, अल्फा मतलब कोण, उहे कास अल्फा कास बीटा कास गामा यहाँ भी निकालना है, बसरते थोड़ा सा चेंज करके। अब कैसे चेंज होगा हम बता रहे हैं। देखो एक बात और बच्चों, एक लफड़ा और है, क्या ओ एक्स
ओ वाई, एक्स एच वाई एच, तुम लोग तो बहुत दिन से जान रहे हो, जेड वाला एच शायद नहीं जानते हो। तो जेड वाला एच भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये वाई एच बन गया, ये एक्स एच बन गया, जेड एच बनेगा इसी मूल बिंदु से इधर बाहर की तरफ ऐसे आएगा, इसी मूल बिंदु से बाहर की तरफ हवा में आएगा। अगर कागज़ पे बनाए तो संभव नहीं है, और अगर 3D बनाए तो संभव है। मेरे पास यहाँ पर कलम भी नहीं है कि मैं आपको तुरंत बता के समझाऊँ, ठीक है, तुरंत दिखा के समझाऊँ। कलम वलम एक ही कलम है, चलो बताते हैं। देखो ये क्या सफ़ेद वाला हिस्सा, देखो ये पीला वाला हिस्सा देखिए, वाई एच एक्स एच। अगर हम इस पर एक चाक ऐसे लगा दें, देख रहे हो ना, ये चाक जिस दिशा में जाएगा वो जेड एच होगा। थोड़ा सा घुमा के आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे, देखो ऐसे, देखो समझ ले हो, तुम कहीं ऐसा देखे हो, नहीं देखे हो ना। अब ऐसे समझो, मैं बताता हूँ, इजी एग्जांपल। अपने घर में चले जाओ, एक रूम हो, खपड़ा वाला रूम नहीं, मड़े उड़े नहीं, एक रूम ऐसा हो उस रूम के कोने में कोई सामान न रखा हो, रूम के कोने के सामने ऐसे खड़ा हो जाओ और देखो तो तीन गो लाइन दिखाई देगा। एक रूम की लंबाई वाली, फर्श पर फर्श देखो, रूम की लंबाई, रूम की चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई समझो एक्स और वाई एच बन गया, और जो कोना वाला रेखा जा रहा रूम की ऊंचाई वह जेड एच है हमारे भाई। समझ गए, समझ गए ना। तो जो नीचे है दोनों उसको समझिए एक्स वाई एच, जो ऊपर जा रहा है वो जेड एच। अब तो क्लियर हो गया, अब नहीं समझाऊंगा, आगे पढ़ाने दो। देखो दर्शाना, पहले तो इसको कुछ मान लो, मान लीजिए कि वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, हमको तीनों के साथ झुकाव बराबर दिखाना है, तो हम इसका निकालते हैं cos अल्फा। cos अल्फा बराबर पहले वाले का गुणांक बटे तीनों के गुणांकों के वर्गों का योगफल, यानी i का गुणांक 1, j का गुणांक 1, k का गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1, 1, तीनों जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट में 3, ठीक है। कास बीटा निकालो, ये भी आएगा 1/5, एक वही चीज़ बार बार लिख देना है, ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी तो मैंने कास अल्फा कास बीटा कास गामा निकाला, लेकिन 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 मुझे तो निकालना था झुकाव, मतलब कोण। तो कोण कैसे निकलेगा, देखो कास अल्फा बराबर 1/3 आया है ना, कास अल्फा बराबर 1/3, तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर होगा कास इनवर्स 1/√3। कास बीटा बराबर भी यही चीज़ आया है, तो बीटा बराबर होगा कास इनवर्स 1/√3। कास गामा बराबर आया है 1/√3, तो गामा बराबर होया कास इनवर्स 1/√3। आपने देखा अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू एक समान है, तीनों का वैल्यू एक समान होने का मतलब हुआ तीनों झुकाव एक जैसा है, तीनों झुकाव एक जैसा है, मतलब अल्फा क्या है ओ एक्स अच्छ वाला झुकाव, बीटा क्या है ओ वाई एच वाला झुकाव, गामा क्या है ओ जेड एक्स वाला झुकाव। आ गया समझ में, आ गया हो तो वीडियो लाइक फाइक कर दो। अब मैं 15 नंबर सवाल बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब भाई साहब 15 नंबर सवाल में कुछ आपको नया सीखना है, नया सीखना कैसे है, पुरानी चीज़ों को इसमें समेट के तब जा कर के नया सीखना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। बिंदुओं P और Q
को मिलाने वाली रेखा को दो संबंध एक के अनुपात में अंतः और बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले स्थिति सदिश हम निकाल लेते हैं P का, फिर Q का। चलिए, P का स्थिति सदिश वेक्टर OP बराबर क्या होगा, यही चीज I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। Q का स्थिति सदिश OQ बराबर हो जाएगा, वेक्टर OQ बराबर माइनस I प्लस J प्लस K। इतना तो कुछ करना ही नहीं था, हो गया। अब मुझे क्या करना है, गौर से देखिएगा। दो संबंध एक यानी ये क्या यम संबंध यन है, एम संबंध क्या है एन समझिए, चाहे M1 संबंध है M2 समझिए। जैसे क्लास 10th में 11th में सरल रेखा में बाह्यतः अंतर विभाजन के निर्देशांक में M1 M2 था ना, तो वही M1 M2 यहाँ भी आ गया है। क्या है दिया है, M1 संबंध है M2 बराबर 2 संबंध है 1। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं OP और वेक्टर OQ। इसके नीचे लिखते हैं M1 संबंध है M2 बराबर 2 संबंध है 1। क्लियर, अब मैं क्या करने वाला हूँ, R का स्थिति सदिश ज्ञात करूंगा अंतर विभाजन पर। अंतर विभाजन के लिए लिखेंगे अंतर विभाजन के लिए R का स्थिति सदिश, ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, R का स्थिति सदिश बराबर क्या होगा। ये देखो, आप इन चीज़ों को इसी स्टाइल में लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्या इसका गुणा इसमें करेंगे, M1 गुणे OQ प्लस M2 गुणे OP, क्या होगा M1 गुणे OQ प्लस M2 गुणे OP बटे M1 प्लस M2। ठीक है, M1 का वैल्यू क्या है, M1 का वैल्यू 2, M2 का वैल्यू 1। देखिए M1 का मान 2, M2 का वैल्यू 1, तो M1 का मान कितना है 2 है, तो 2 का गुणा OQ में करेंगे, 2 का गुणा OQ में करेंगे, OQ का मतलब इसमें करेंगे, तो जाएगा -2i प्लस 2j प्लस 2k, -2i प्लस 2j प्लस 2k कैप प्लस M2 गुणे OP। M2 का मान 1 है और OP में गुणा करेंगे 1 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लिख देना है i प्लस 2j आई प्लस 2j माइनस के कैप, बटे में क्या रहेगा M1 प्लस M2 यानी वो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। अब देखिए 2i में से 2i घटेगा माइनस i यानी -1/3i, और 2j और 2j 4j यानी +4/3j, 2k में से k घटेगा k यानी 1/3k कैप। ये हो गया अंतर विभाजन वाला आंसर, ये कौन सा हुआ अंतर विभाजन वाला आंसर। अब मुझे केवल इतना ही मिटाना है, यहाँ लिख देंगे बाह्य विभाजन। क्या लिखेंगे, बाह्य विभाजन के लिए R का स्थिति सदिश, यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं रहेगा माइनस हो जाएगा। बच्चों आप लोग दोबारा लिखिएगा, हम तो मिटा मिटा के काम चलाएंगे, बताएंगे आपको।
बाकी आगे आप इसको अच्छे से ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब देखो M1 गुड़े OQ, M1 का मान 2 है, 2 का गुड़ा OQ में करना है, यानी इसमें करना है, तो -2i +2j +2k -2i +2j +2k। फिर क्या घटाना का चिन्ह है, घटाना का चिन्ह लगा के क्या करना है, M2 का गुड़ा OP में, M2 मतलब +1 और +1 का गुड़ा OP में, तो इसमें करेंगे गुड़ा तो ये बदलेगा ही नहीं, ऐसे रहेगा। लेकिन 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 माइनस चिन्ह के नाते इन तीनों का केवल चिन्ह बदल जाएगा, तो -i -2j +k बटे में M1 में से M2 घटाना है, यानी दो में से एक घटाना है, तो एक बचेगा, फाइनल में क्या आएगा, बटे के नीचे एक लिखना ज़रूरी नहीं है, तो -2i -i हो जाएगा -3i +2j -2j कट जाएगा, पूरा ख़त्म हो गया, +2k +k +3k, ये हो गया आपका बाह्यतः विभाजन वाला आंसर, क्लियर। अब इसके आगे आप लोगों को अगले दिन अगली वीडियो में बताया जाएगा, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।